वहीं यूपी के शाहजहांपुर में बेग हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ पर शिकायतकर्ता पीड़ित ने धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने के बाद डॉक्टर आग बबूला हो गए और फोन पर युवक से शिकायत वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत वापस न करने पर अपहरण और जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। धमकियों से डरा हुआ सहमा परिवार अब दहशत में है। फिलहाल युवक ने पूरे मामले की शिकायत यूपी के डीजीपी सहित पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से की और मुख्यमंत्री ने से हाथ जोड़कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल थाना चौक कोतवाली स्थित बैग हॉस्पिटल में हो रही खून की तस्करी और मरीजों से इलाज के नाम पर मोटा पैसा ठगने का खुलासा इस युवक ने किया था, जिसके बाद असलम का आरोप है कि कार्रवाई के डर से अस्पताल के डॉक्टर और उनके स्टाफ के लगातार फोन जा रहे हैं और फोन पर अपहरण करने और परिवार के साथ अनहोनी की लगातार धमकियां मिल रही हैं। खून को लेकर, ब्लड को लेकर जो उस अस्पताल में तस्करी चल रही है बहुत जोरों से, जो मेरे साथ भी हुआ है। 4 दिनों खून मुझसे भी मंगवाया गया ब्लड मोल, और इसको रोकने के लिए जब मैंने खुलासा किया है तो धमकी भरे मुझे कॉल आ रहे हैं, बराबर मुझे डराया जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मुझे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए।